लाहौर पर राज करने वाले अंडरवर्ल्ड माफिया की कहानी। हम ये सोचते थे और हमारे जो हुक्मरान हैं अब शायद वो भी ये दावा करते हैं कि ये सारे मामलात खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं। भत्ता खोरी से लेकर खूनी वारदातों तक की हौलनाक दास्तानें। भत्ता खोरी, जायदादों पे कब्जे, हाँ जी, प्रॉपर्टीज पे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कत्ल करना, ये आम सी कॉमन सी बातें। कई बच्चे यतीम, कितने ही सुहाग गुजर गए। जरा मुद्दा छुद्दा है, पैसा लेके मार दे ने, इन्होंने क्यों नहीं फड़दे भी, क्यों नहीं इन्होंने फांसी दे भी चढ़ाते इन्होंने। पूरे शहर में खौफो हरास, टीपू ट्रका वाले को कत्ल करने वाले गैंग ने अब किया कौन सा खानदान तबाह। महमूद और मुद्दे पे 16 मुकदमात हैं सबका, इनमें से 12 मुकदमात इसके कत्ल के, और बाकी किस तरह के मुकदमात, बाकी भत्ताखोरी के हैं, 788 के हैं, दहशतगर्दी के भी, भत्ताखोरी के भी, भत्ते भी लेता था जी, इतना भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज से कई साल पहले बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में हम सुना करते थे कि भत्ताखोरी के हवाले से इनके नाम सामने आते थे। बहुत सारे ऐसे मामलात में जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, टीपू ट्रकों वाला और इससे पहले बेशुमार ऐसे नाम हैं जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जिनका राज हुआ करता था। हम ये सोचते थे और हमारे जो हुक्मरान हैं अब शायद वो भी ये दावा करते हैं कि ये सारे मामलात ख़त्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। लाहौर के पुराने इलाके आज भी वहाँ पे इसी तरह के मामलात हमें देखने को मिल रहे हैं। जालिम आज भी ताकतवर है और मजलूम के साथ आज भी वही सब कुछ हो रहा है जो आज से कई साल पहले हुआ करता था। जी हाँ, सूबा पंजाब के दारुल हकूमत लाहौर में जराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। कराची में भत्ताखोरी और किराए पर कातिल ढूंढकर कत्ल करवाए जाते थे, यानी टारगेट किलिंग की जाती थी, लेकिन अब शहर लाहौर में भी ऐसी ही कहानियां सामने आ रही हैं। भत्ताखोरी से खूनी वारदातों तक कई वाकयात बेनकाब हो रहे हैं। शहर लाहौर पर राज करने वालों की क्या कहानी है? ऐसा क्या हुआ कि अंडरवर्ल्ड के लोगों में फूट पड़ गई? क्या इस माफिया ने अपने ही लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया? टीपू ट्रका वाला कत्ल केस से जुड़ी एक कहानी। मुबीन बट ग्रुप ने टीपू ट्रका वाला के बाद किसको बनाया निशाना? क्या पुलिस शहर लाहौर से भत्ताखोरी खत्म करवा सकी? क्या पुलिस करती है इकरार कि शहर लाहौर में किराए के कातिल हैं दस और का अमन बर्बाद? अंडरवर्ल्ड माफिया, कौन कौन से केसेस में पुलिस को है मतलूब? किसके कहने पर तफ्तीश तब्दील कर दी गई? शहर को खौफजदा करने वाले वाकयात की एक ऐसी कड़ी जो आज बेनकाब होने जा रही है। देखते रहिए मुजरिम कौन। मैं जिस फैमिली के साथ इस वक्त बैठा हूँ, जिस शख्स के साथ बैठा हूँ, पहले इनके भाई को कत्ल किया गया, उसके बाद इनके वाले साहब को कत्ल कर दिया गया, ये कौन है? आप मुलजिमान का रिकॉर्ड या मुलजिमान का डाटा देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इन पे मुलजिमान पे बेशुमार मुकदमात हैं और मुकदमात हैं 302 के, यानी कत्ल के मुकदमात हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खौफनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि इन मुलजिमान पे भत्ताखोरी के मुकदमात हैं। तो इससे ये जाहिर हो गया, साबित हो गया कि लाहौर में भत्ताखोरी हो रही है। हमने कई बार इस इशू को हाईलाइट किया इस प्लेटफॉर्म से भी, हमारे इदारे ने, सिटी 42 ने, लेकिन पुलिस की जानिब से हमेशा इनकार सामने आता रहा कि इस शहर में, लाहौर में भत्ताखोरी नहीं हो रही। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स हैं और आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। ये मुलजिमान ना सिर्फ कातिल हैं, ना सिर्फ इनके पास किराए के कातिल हैं, बल्कि ये शहर में मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ासतौर पर इस इलाके में, ये करीम पार्क लाहौर का बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ ये भत्ताखोरी के मुकदमात में मुलव्विस हैं। ये मामलात कब से चल रहे हैं, इनके आपस में दुश्मनी कैसे हुई, कब दुश्मनी का आगाज़ होता है, दुश्मनी की वजह क्या बनती है, और अब इस सारे केस की क्या सूरत हाल है? एक तो पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो हम शामिल करेंगे, जो तफ्तीशी हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मुदई हैं जी, समीर इनका नाम है, जिनके वालिद साहब को गोलियाँ मार के कत्ल किया गया, उस दिन वो पेशी से वापस आ रहे थे। वो क्या केस था, किस केस की पेशी से वो वापस आ रहे थे, सब हम समीर साहब से पूछते हैं। समीर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये जो ग्रुप है महमूद उर्फ मुदा ग्रुप, मुबीन बट,
जिसे मार दिया गया, ये सारा एक ही गैंग है, एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है ये। जी हाँ, एक ऐसा ही ग्रुप है जिसने पूरे शहर लाहौर को खौफजदा किया हुआ है। क्या पुलिस करती है इस बात को तस्लीम? नाज़रीन, फुरकान महमूसा हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना लॉयर माल के, और इस केस की तफ्तीश भी कर रहे हैं या गालिबन तफ्तीश कर रहे थे, जो कि अब ये केस CIA के पास चला गया। तो अब तक क्या तफ्तीश की है? ख़ास तौर पर ये जो दुश्मनी है, क्या ये दोस्ती से दुश्मनी में तब्दील होती है या इनकी पुरानी दुश्मनी ही चली आ रही है, और दुश्मनी की असल वजह क्या है, तनाज़ा क्या था, कब पहला कत्ल होता है, अब तक कितने कत्ल हो चुके हैं, जो मुल्ज़िम पार्टी है उन पर कितनी FIRs हैं और किस नौइयत के मुकदमात दर्ज हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे फुरकान साहब से। बहुत शुक्रिया आपका फुरकान साहब। सबसे पहले मुझे बताएं, पहला कत्ल इन दोनों ग्रुपों के दरमियान किसका होता है? पहला कत्ल जो है वो 2009 में होता है, काशिफ का, जो मुबीन भट गैंग का सरगना था, मुबीन भट उसके हकीकी भाई काशिफ का कत्ल होता है 2008 में या 9 में? 2009 में। इसे कत्ल कौन करता? इसे इसी गैंग में से कुछ अफराद कत्ल करते हैं, जिनको बाद में मुबीन भट जो है वो जो इस मुकदमा 222/19 के मदई है, ये बाद में इनको नामजद कर देते हैं कि हमारा भाई जो इन्होंने अब जो मदई हैं अब इस केस में समीर वाले जो कत्ल हुए, आप ये कह रहे हैं कि पहले ही एक ही गैंग था? पहले इनके आपस में करीबी तलकात और अच्छे दोस्त थे, दोस्त थे मुबीन भट और आतिफ में, नहीं दोस्त थे या एक गैंग था और ये उसका हिस्सा था, एक ग्रुप था, एक ग्रुप था। क्या करता था ये ग्रुप? ये ग्रुप का बेसिकली केबल नेटवर्क का काम था, और उसके बाद इनके दूसरे मामला लड़ाई झगड़े और इस तरह के मामला शुरू हो गए, और उसमें ये जो समीर महमूद जिक्री है, ये इस ग्रुप से आतिफ इसका भाई, ये जब लैदा हुए हैं तो उस वक्त उस ग्रुप ने बताखोरी भी स्टार्ट कर दी हुई। पुलिस भी कर रही है इकरार कि एक ही ग्रुप है जिसने शहर भर में तबाही मचा रखी है। शहर में भत्ताखोरी से लेकर कत्लो गारत तक क्या नहीं हुआ, कितनी माएं बेसहारा हो चुकी हैं, कितने बच्चे यतीम और कितनी खवातीन उजड़ चुकी हैं, जरा इस बूढ़ी खातून की फरियाद भी सुन लीजिए। नाज़रीन, समीर जो मदई हैं इस केस में, उनकी फूफो जान है, और जो मकतूल हैं इस केस में ज़िक्रिया, उनकी ये बहन है, इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक तो हम जो ज़िक्रिया मकतूल हैं उनके बारे में थोड़ा सा पूछेंगे, और जिस तरह हमने पहले बात की है कि इस सारी लड़ाई में जो गुज़श्ता कई सालों से चल रही है, कई ख़ानदान तबाह हुए, उजड़ गए, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, कितनी औरतों के सुहाग उजड़ गए हैं, और कितनी बहनें हैं जो भाइयों से महरूम हुई हैं, तो ये जो लड़ाइयाँ हैं इसका जो असल नुकसान है वो उन लोगों पे होता है जो बाकी रह जाते हैं, जो बच जाते हैं, सारा भुगतते वो हैं, मारने वाला मार के चला गया, मरने वाला अगला अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करे वो इस दुनिया से चला गया, तो असल मामला तो इन लोगों के लिए रह जाते हैं। तो ये बहन है, हम इनसे बात करते हैं। माँ जी, मुझे ये बताएँ क्या मामला हुआ है, आप लोगों को पता है ये क्या मामला है, या बस यही खबर आती है कि आज ये मर गया आज वो मर गया? हाँ जी, यही खबर है कि पहले मेरे पति जन्म आदि था, इन्होंने पैसा लै के मुद्दे छूदे ने, तो हूँ इन्होंने मेरे भरा बेगुनाह मार दिए, बच्चे भी जतीम कर दिते, अगे जतीम मस्कीन है, माँ भी मर गई गम के नाल, पुत्र के गम ना मर गई, पुत्र भी जवान मर गया एक गम के नाल, भरा गम बेवा बैठिया ने, बच्चे बेचारे तकीम कर दे ने, साडे बच्चे तकीम हो गए ने, बच्चे छोटे छोटे मेरा भरा पालदा पिया सी, सारे बच्चे दी कफालत पालदे ताडे भाई पालदे पे सन सब? हां जी, बच्चे पालदे पे सी, चार बच्चे, उहदे दो बेटे बहुत हो गए, इक कतल हो गया मेरा भतीजा, इक उहदे गम नाल दे अटैक नाल मर गया, बच्चे चार पालदा पिया मेरा भरा, एडा चंगा पालदा।
ऐसे कितने ही खानदान हैं जो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, जिनके प्यारे गैंग वॉर का हो चुके हैं शिकार। आखिर इस खानदान के साथ अंडरवर्ल्ड की ऐसी क्या दुश्मनी थी, क्यों किया उनके प्यारों का कत्ल? आपके साथ इनकी मुखालफत कैसे? हमारा इनके साथ कोई ऐसा नहीं मामला था। सन 2009 में मुबीन भट्ट और मुद्दा ने, महमूद रफ़मुद्दा ने मेरे छोटे भाई काशिफ को और उसके दोस्त अतर मुश्ताक को मर्डर करवा दिया। किस वजह से? वो काम से वापस आ रहा था, अपने काम से उसे छुट्टी हुई है 9 बजे रात को फैक्ट्री से, वो वहाँ से आ रहा था। दोस्त उसका अतर मुश्ताक उसे लेने के लिए गया और वो भी उसी के साथ ही बेचारा मारा गया। मेरे भाई काशिफ के 2 बेटे थे, एक बच्चा बाद में हुआ, एक बेटा बाद में हुआ, एक पहले था। अतर मुश्ताक की एक बेटी थी 1 महीने की। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया तब भी। और इस केस में उसके बाद जो मुजरिम हैं ये महमूद हैं, हाँ जी, मुबीन भट्ट, हाँ जी, हाँ जी, इस वाले केस में अचानक से आपके भाई को कत्ल करवा दिया या इससे पहले कोई तनाजा चल रहा था? इससे पहले मुबीन भट्ट ने मेरे भाई पे अपने भाई के लिए एक FIR करवाई थी। अपने भाई मुबीन भट्ट का भाई कत्ल होता, हाँ जी, हाँ जी, उसकी FIR, उसके FIR करवाई थी, इल्जाम लगाया था। उसमें मेरा भाई क्लियर हो गया, वो इनोसेंट था, वो क्लियर हो गया। जेल जाते हैं आपके भाई? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, हो गया वो, बस क्लियर हो गया। उसके बाद वो गिल्टी नहीं था, इल्जाम था सिर्फ, हाँ जी, पुलिस ने उसे गिल्टी मतलब नहीं था, उसे क्लियर कर दिया। ठीक है, इसी रंजिश की बिना पे इसने मुबीन भट्ट ने मेरे भाई को मर्डर करवा दिया, भाई को भी मर्डर करवा दिया साथ में उसके। यानी अपनी तरफ से उन्होंने बदला लिया, भाई कत्ल हुआ और बदला लिया आपके भाई को कत्ल करवा, हाँ जी, बदला ले लिया। क्या वाकई ये बदले की जंग थी, ऐसी खूनी जंग जो कई नस्लों तक चलती रहती है? क्या वाकई आतिफ ने दूसरे गैंग के मेंबर को किया था कत्ल? क्या वाकई शहरे लाहौर में भत्ताखोरी का धंधा चल रहा है? क्या ये सच है कि अंडरवर्ल्ड माफिया के खौफ से शहरी अपनी आवाज उठाना तक भूल चुके हैं? उसके बाद कोई बंदा इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं करता था, ना मुबीन भट्ट के खिलाफ, ना महमूद रफ़मुद्दा के खिलाफ। वजह क्या है इसकी? इन्होंने होफो हरास इतना फैलाया, जिस बंदे ने इनके खिलाफ FIR लॉन्च करवाई है या जिस बंदे ने इनके खिलाफ कोई शहादत दी है, इन्होंने उसके घर का कोई लॉस कर दिया, इन्होंने उसके घर पे फायरिंग कर दी है। यानी खुली बदमाशी करते हैं, खुली बदमाशी, भत्ताखोरी, जायदादों पे कब्जे, हाँ जी, प्रॉपर्टीज पे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कत्ल करना, ये आम सी कॉमन सी बातें हैं। उसके बाद फिर मैंने और मेरे वालिद ने, हमने इनके खिलाफ दोनों ने परसू किया। अच्छा, ठीक है, पुलिस ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की है। ये 2009 की बात है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2009 में इंतज़ामिया ने हमें कहा आप परसू करें, हम भी आपके साथ तावन करेंगे। वो हमने अपने केस को मतलब बैकअप किया है, परसू किया है, काफ़ी ज़्यादा मामला हमने, पीछे इनके कोई जाता तो था नहीं, हम दोनों बाप बेटे ने किया, फिर हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे, आम लोग थे, वो हमारे साथ शामिल हो गए। ये वही लोग हैं जिनके साथ ज्यादतियां हुई, जिनके साथ ज्यादती है, वो हमारे साथ कनेक्टेड हो गए, मिल गए हमारे साथ, हम दुआएं थी हमारे साथ लोगों की, लोगों ने हमारे साथ काफी ज्यादा तावन किया। जरा ये तस्वीर देखिए, ये हैं वो तमाम लोग जो दहकती गोलियों का निशाना बनते चले गए, ये सब एक के बाद एक बहेमाना मौत का हुए शिकार। शहर लाहौर में खौफ की अलामत बनने वाला ये खतरनाक माफिया माजी में क्या कुछ कर चुका है, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मुबीन भट्ट इसी केस में अंदर गया? हाँ, नहीं नहीं, मुबीन भट्ट टीपू ट्रक्का वाले के केस में पहले जेल में था। अच्छा, वो उसके पांच बंदे महमूद रफ़मुद्दा ने और टीपू ट्रका वाले के इन्होंने मारे थे, मुबीन भट्ट ने और महमूद रफ़मुद्दा ने। ठीक है, उस केस में ये पहले जेल में, उसमें इनको 100 साल तकरीबन कैद हुई हुई थी, इन दोनों को 100 साल, उसको भी कैद हुई थी, इसको भी कैद हुई थी। आपने एक स्टैंड लिया इनके खिलाफ, ये लोग जिनका बड़ा खौफ हराज था इस इलाके में, आपने इनके खिलाफ खड़े हुए, लोग साथ मिलना शुरू हो गए, आपने इस केस को परसू करना शुरू किया। जी जी, जाहिर है भाई भाई का, हाँ जी, उन्होंने उसे माफ तो भी किया, लेकिन उसमें हमारे साथ इंतजामिया ने बहुत ज्यादा हमारा साथ दिया, इंतजामिया ने साथ दिया, मतलब इंतजामिया पुलिस को भी कह दे, सियासी लोगों ने भी हमारे, जो मतलब तंग थे सियासी लोग भी इनसे, जाहिर है अब ये कल्चर खत्म होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो काफी ज्यादा मुबीन भट्ट तो अंदर था, हाँ, महमूद उर्फ मुद्दा ये भी अंदर था, उसके साथ ये सोशल केस चल रहा था, केस चल रहा था, हमारा तो नया पुटअप हो गया ना मेरे भाई की FIR का, उससे पहले तो लोगों के मामला चल रहे थे, टीपू ट्रक्का वाले के मामला चल रहे थे, फिर हमने परसू जब इसे किया तो पुलिस ने इसे बाहर निकाला,
तो इसके साथी आए हैं इसे छुड़वाने के लिए। ये 2010 में आता है, 13 जनवरी को बाहर 2010 में बाहर आता है। पुलिस ने इसे हमारे केस में इंटरोगेशन के लिए निकाला है, तो इसके साथी आए हैं इसे छुड़वाने के लिए। वो पुलिस की महमूद की बात करें, मुबीन भट्ट की महमूद रहमूदा को नहीं निकाला, ठीक है, मुबीन बाहर आ जाते 2010 में। 2010 में 13 जनवरी में आपके केस में, आपके भाई के कत्ल के केस में इंटरोगेशन के सिलसिले। हाँ जी वो पुलिस का और इसके साथियों का आपस में होती है, मतलब मुकाबला वगैरह, फायरिंग होती है, पुलिस से वो मर जाता है, मुबीन भट्ट मारा जाता है। ये सच है कि मुबीन भट्ट पुलिस मुकाबले में तो मारा गया, लेकिन शहर लाहौर में आज भी खौफ का आलम है। क्या वाकई असल मुजरिम अभी तक जेल की सुराखों के पीछे बैठा चल रहा है अपनी चालें? ये महमूद रहमूदा स्टिल ऐसे ही जेल में रहा है। बिल्कुल ठीक, हमने हमसे गलती हुई, हमने इसको परसू नहीं किया। यानी आपने सोचा कि असल जो बंदा है मुबीन भट्ट मर गया है, लेकिन असल ये था, असल बंदा असल ये था, क्योंकि मुबीन भट्ट इसके हाथों में पला था, मुबीन भट्ट तो इसका बच्चा था। अच्छा, जो महमूद ये उस्ताद है, ये उस्ताद है, ये और इसका भाई मकसूद सूदा, इसका भाई मकसूद रसूदा और महमूद रसमूदा, ये दोनों मुबीन भट्ट के उस्ताद थे। ठीक है मुबीन भट्ट इनसे ही आगे निकला, ठीक, वो बहरहाल उसके बाद ये गायब हो गया जेल से, ये क्लियर हो के। अच्छा, जेल से ये निकला, जेल से ये निकल के अपने इलाके में नहीं आता, ये गायब हो जाता है, केस खत्म हो जाता है इस पे, ये भाग के आता है। नहीं भाग के कैसे आएगा, केस इसका खत्म हो जाता है, केस खत्म हो जाता है, लाजमी बात है, केस नहीं मतलब स्ट्रांग होगा, एविडेंस नहीं स्ट्रांग होगी, आ गया। नहीं, एक तो टीपू ट्रका वाला केस, इतना बस वो, भारी केस, बस वो उसके नहीं, बाद आपका केस और नहीं, बहुत सारे केस। वो हमारे वाले में तो 109 में था, और आपको पता है हमारी सोसाइटी में 109 का जो स्टेटस बनता है, मुल्जिम अल्टीमेटली क्लियर हो जाता है। इस खानदान को कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया गया, लेकिन दूसरे खानदान में शायद इंतकाम की आग चल रही थी। क्या पैसे देकर करवाया गया ये कत्ल? बाहर आ जाता है उसके बाद ये गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर जब होता है पीछे से दबे दबे, ये मतलब लोगों को, मतलब ये पैसे ले रहा है, या इनका ये क्रिमिनल लोग है, इनका सिस्टम कैसे चलेगा फाइनेंशियली सिस्टम? यानी पहले ये सामने आके फ्रंट पे आके सब कुछ करता था, तमाशा करता था, अब ये बैठ के पीछे से, लेकिन ये इलाके में नहीं आया, लोग इसके शर से महफूज रहे हैं इलाके में। अब इसने दोबारा यकायक, इसको पता चला कि हम केस से क्लियर हो रहे हैं, इस वाले अपने जो हम पे FIR लॉन्च हुई हुई थी मुबीन भट्ट के भाई की, मुबीन भट्ट के शूटर्स ने क्या मामला है? ये मामला ये है कि मुबीन भट्ट ने और मुद्दे ने जो मेरे भाई को मर्डर करवाया था और उसके दोस्त को मर्डर करवाया था, वो शूटर्स थे दो, 14,000 रुपया दे के, ये इन रिटर्न भी आपके पास है, ये मैंने आपको दिखाया है, इन रिटर्न पुलिस की जो रिपोर्ट है, उन्होंने 14,000 रुपया ले के 28,000 रुपया दोनों बंदों ने ले के मेरे भाई को मर्डर कर दिया, मुबीन भट्ट और मुद्दे से। बिल्कुल ठीक है। वो भी जेल में चले गए, हमने उनको भी तो परसू करना था ना, वो भी जेल में चले गए। वो जब एक बंदा जेल से आ गया, कोई मतलब अपनी बेल करवा के तो वो बाद में पेश नहीं हुआ, गायब हो गया, भाग गया, इश्तिहारी हो गया, वो उसी दौरान उसने आ के यहाँ से किसी से पैसे मांगे हैं गोलबाग, वही शूटर आता है वो आके तो वो किसी से पैसे मांगता है, भत्ता मांगता है किसी बर्गर वाले पॉइंट से, को मेरे ख्याल से फ्रेंड्स बर्गर पॉइंट था शायद ना, वहाँ से उसने पैसे मांगे, वो दोनों भाई थे, उन दोनों भाइयों को उसने फायर मार दी, उस शूटर वालों ने मार दिया, पहले उस शूटर ने मारे, ठीक है, बाद में उन्होंने रिटेलिएशन में उसके एक भाई ने उसे मार दिया, वो शूटर मर गया। हाँ, ये वो शूटर की बात है, वो ये बात है 2012 की, 2012 में वो मर जाता है। अच्छा, तो उसका इल्जाम भी आप पे आ जाता है, उसकी FIR भी हम पे लॉन्च हो जाती है, ठीक है, किस और पे होती है? भाई पे होती है, भाई पे भी हो जाती है, मेरे पे भी हो जाती है, मेरे वालिद पे भी हो जाती है, लेकिन आपका उसमें कोई हाथ नहीं, वो नहीं। कत्ल करने वाला शूटर, किसने किया कत्ल? क्या इस खानदान पर इल्जाम है या फिर चली है माफिया ने कोई चाल? पुलिस इस जमन में क्या कहती है, आइए सुनते हैं। उसके बाद फिर क्या होता? उसके बाद इसमें जो दो शूटर जो कत्ल करते हैं समीर महमूद के भाई काशिफ को और उसके दोस्त को,
वो चलान होते हैं, फिर अदालत से बेल आउट होते हैं, और इनमें से जो एक है मुलज़म उस्मान उर्फ हीरा, वो दोबारा इनके घर पर हमलावर होता है समीर महमूद के। इन दोनों की क्रॉस फायरिंग होती है और उस फायरिंग में वो उस्मान उर्फ हीरा जो शूटर साहब का इनके भाई का, वो मारा जाता है और इनका भी एक दो अफराद जो है वो ज़ख्मी होते हैं, और दोनों पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर, यानी समीर पे, इसके फैमिली पे, इनके भाइयों पे दोबारा से मुकदमा हो जाता है इस शूटर का, हीरे जी, का। जी जी। अजीब मामला है, पुलिस पैसों के लिए कत्ल करने वाले शूटर के कत्ल का जिम्मेदार उस खानदान को ठहराती है जिनके घर का नौजवान इस शूटर ने किया था कत्ल, जबकि ये खानदान इसमें से दो मर्डर हो गए। अबू सामने बैठे थे फ्रंट पे, और वो मतलब जो थे ना कैसर भाई जो ड्राइव कर रहे थे वो भी फ्रंट पे थे, बाकी ये तीनों पीछे थे। ठीक है, वो ये भी मतलब क्रिटिकली इंजर्ड हो गए, इंजर्ड होते हैं। वाले साहब की डेथ हो जाती है, वो एड्डी स्पोर्ट जो ड्राइवर है कैसर, वो वेरी नेक्स्ट डे, वो वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन, हाँ ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। बाकी ये घात कहाँ लगाए बैठे होते हैं इन्होंने, हसन शाह के आ रहे उधर ही घात लगाई हुई थी बाइक पे, ये हमें हर तारीख पे कर रहे थे चेक। ठीक है, इससे पहले इन्होंने 25 को की तलाश, हाँ 25 मार्च को भी ये काम किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सेफ कर दिया, उस दिन हम अनसेफ हो गए बस। कातिल पहले से घात लगाए बैठे थे, पहले भाई कत्ल हुआ था और अब बाप भी उसी लड़ाई में मारा गया, क्या इस बार भी कराए के कातिलों का लिया गया सहारा। ये हैं तस्वीर महमूद उर्फ मूदा और अवैस चीमा की, बकौल मुद्दई यही हैं वो असल कातिल। जानते हैं कि क्या पुलिस की नजर में भी ये दोनों कसूरवार हैं। ये नामलूम कातिल थे जिन्होंने ये हुकूमत सर अंजाम दिया था। ये 10 अफराद थे टोटल जिन पर FIR हुई, FIR होते यानी कभी FIR इस ग्रुप पे होती है, कभी इनका बंदा मर जाता है दूसरे मुखालिफ ग्रुप पे FIR हो जाती है, अब FIR इन पे महमूद ग्रुप पे हो जाती है, मुबीन भट्ट ग्रुप पे, मुबीन भट्ट ग्रुप पे, महमूद ग्रुप, मुदा ग्रुप पे, और इसमें 16 मुलजमान टोटल नामजद होते हैं। ठीक है, 10 FIR में और 6 जो है वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में। ठीक है, और इसमें 4 नामलूम कातिल होते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा मुलजमान की हद तक अल्ज़ाम होता है अबेटमेंट का, एयानत का, इमार का। ठीक है, तो इसमें अब तक हमने तफ्तीश करके जो नामलूम कातिल थे उन नामलूम कातिल को जदीद टेक्नोलॉजी से और अफसरान की गाइडलाइन के मुताबिक उनको हमने ट्रेस किया। 2 मुलजमान जो थे उन 4 नामलूम कातिल मुलजमान में से 2 मुलजमान को हमने ट्रेस करके पकड़ा और उनसे जो वकूए में इस्तेमाल होने वाला असला था वो बरामद किया और वो PFSA में फ्रेंजिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा। जो मार्च, दोनों वेपन जो है वो मैच रिकवर कर लिए। 27 मार्च को वकूआ होता है। ये जो नामलूम कातिल हैं ये कब पकड़े जाते हैं? ये 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को पकड़े जाते हैं जी। दौरान तफ्तीश ये सब कुछ बता देते हैं कि किसके कहने पे ये कत्ल किया। दौरान तफ्तीश ये बताते हैं कि इनमें जो फारूक डार है उसने, उसका अजीज़ था अरफान काना, और अरफान काना था महमूद उर्फ मुदे का करीबी। इन्होंने 10 लाख रुपए में आतिफ महमूद और जिक्रिया महमूद को कत्ल करने किसके का कहने पे? महमूद महमूद उर्फ मुदे का। अच्छा, और अरफान काना इस डील करवाने में बतौर मिडल मैन था। और किसके घर पे ही होता है, किसकी जगह पे होता है? अवैस चीमा के डेरे पे। उसके डेरे पे अवैस चीमा चेयरमैन है इस्लामपुरा यूसी का, साहब का चेयरमैन, उसके डेरे पे ये सब कुछ होता है, प्लानिंग उसके डेरे पे ये प्लानिंग वगैरह होती है और इन सबको भी नामजद किया जाता है। पुलिस मुलजमान तक पहुंच जाती है, जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजमान की निशानदही हो गई, लेकिन फिर क्यों पुलिस असल मुलजमान को पकड़ने में हो गई नाकाम? ये काम हुआ, ये हुआ है मार्च में, 27 मार्च को। अब इस केस का स्टेटस क्या है? अब इस केस का स्टेटस ये है कि मुलजमान जो थे उन्होंने पहले सेशन कोर्ट से बेल्स करवाई, ठीक है, उसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए, इधर से इनकी रिफ्यूजल हो गई, रिजेक्शन हो गई बेल्स की, हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जब गए हैं ये, तो उधर से भी मतलब पुलिस ने
इनको लाजमी बात है गुनाहगार हैं तो इनको गुनाहगार ही करेंगे ना, इनोसेंट तो नहीं इन्हें कर सकते, गिल्टी हैं ये। तो उधर से इनकी बेल कैंसिल हो गई, वहाँ से ये लोग जो हैं इनकी जब बेल कैंसिल हुई है, महमूद रफमुद्दा और कैसर सनौना ये भाग गए, अवैस चीमा और अली भट्ट ये दोनों पकड़ गए। महमूद उर्फ मूदा और कैसर उर्फ नोना पुलिस की आंख में धूल झोंक कर भाग गए, जबकि अवैस चीमा और अली भट्ट पुलिस की गिरफ्त में आ गए। क्या वाकई पुलिस एतराफ करती है कि असल मुलजमान भाग गए थे? चार नामालूम कातिल तो आपने गिरफ्तार कर लिए, आपने वेपन भी रिकवर कर लिया, जिसके मशवरे पे जो मेन पीछे किरदार है महमूद उर्फ मूदा उसे आपने पकड़ा। महमूद रहमूदा जो है इसने पहले सेशन कोर्ट से इंटरम करवाई थी, ठीक है, वहाँ पर हमारी तफ्तीश में ये गुनाहगार था और ऑन मेरिट इसकी ज़मानत कैंसिल हो गई थी। उसके बाद फिर इसने हाई कोर्ट से ज़मानत करवाई और हाई कोर्ट से भी ऑन मेरिट ज़मानत इसकी खारिज हुई, वहाँ से ये भाग गया है। इसमें टोटल 16 मुलजमान इस वक्त ये भागा हो रहा है जी, इस वक्त ये मकूल इसमें टोटल 16 मुलजमान हैं, जिनमें से 11 हमने गिरफ्तार कर लिए हुए हैं। 5 भागे हुए हैं जी, 5 भागे हुए हैं। कहाँ भाग के चले गए वो? उनमें तो ये इस वाकये को 7-8-9 महीने होने वाले हैं, तो कहाँ भागे हुए हैं? 6 माह हो गए हैं। तो पुलिस क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रही? पुलिस इसको गिरफ्तार कर रही है, पुलिस ने 16 में से 11 मुलजमान गिरफ्तार कर लिया। तो कर लिया आपने, असल जो बैकबोन है जिसके कहने पे किया गया, जिसके साथ साला साल से दुश्मनी चली आ रही है फुरकान साहब, ये तो नहीं हो सकता कि पुलिस को पता ना हो कि वो कहाँ पे है, तो क्यों उसे गिरफ्तार नहीं किया? जब अदालत से कोई मुलजम जमानत करवा लेता है तो वो अनटिल एंड अनलेस अदालत उसके मुतलक फैसला नहीं करती, हम नहीं अरेस्ट कर सकते। अभी तक उसके मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ? उसकी पाँच तारीख थी 5 नवंबर हाई कोर्ट में अबूरी जमानत, उसमें ऑन मेरिट उसकी 5 तारीख को जमानत खारिज हुई है। 5 तारीख को ये 4 मुलजमान थे जो पेश अदालत हुए हैं, चारों की जमानत खारिज हुई है और इन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की है। उस भागने की कोशिश में जो है हमने 2 मुलजमान उन 4 में से 2 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं। असल मुलजम फिर भाग गया महमूद उर्फ मूदा, यानी पहले तो ज़मानत ही उसकी चली आ रही थी, अब ज़मानत खारिज हुई है, उसमें भी ज़ाहिर है उसमें आपका हाथ अदालत है। में अदालत में वकला साहिबान जो हैं, जो इनके ये क्लाइंट होते हैं, वो कोशिश करते हैं पुलिस को रुकावट भी खड़ी करते हैं, पुलिस को हर मुमकिन कोशिश से मुलजमान को यानी अपने वकीलों की वजह से वो वहाँ से भाग जाते हैं। असल मुलजिम भाग गए। सुना आपने, पुलिस कर रही है एतराफ के असल मुलजिम चकमा देकर भाग चुके हैं। पुलिस के मुताबिक महमूद उर्फ मूदा गैंग किस किस केस में था पुलिस को मतलूब। अब आप मुझे इसका बैकग्राउंड बताएं, इसकी हिस्ट्री क्या है महमूद उर्फ मूदे की? ये मुबीन भट्ट बता रहे हैं कि इकट्ठे थे, दोस्त थे, एक ग्रुप था, बकौल आपके समीर आतिफ अभी जो मदई पार्टी ये भी इकट्ठे थे, आतिफ सिर्फ इनमें जो था इनका भाई, उसकी दोस्ती थी, उसकी दोस्ती थी, चले तो ये अलग हो गए। अब मुबीन भट्ट और मूदा ये तो काफ़ी साल उसके बाद भी इकट्ठे रहे, तो कितने मुकदमात हैं इन पे मुद्दे पे, किस नौयत के मुकदमात? महमूद उर्फ मूदे पे 16 मुकदमात हैं सबका, इनमें से 12 मुकदमात इसके कत्ल के हैं। 302 के 12 मुकदमात हैं जी, और बाकी किस तरह के मुकदमात? बाकी बताखोरी के हैं, 780A के हैं और इकदामे बताखोरी के भी हैं, ये भत्ते भी लेता था जी इकदामे के। पुलिस कर रही है तस्दीक, ये माफिया भत्ताखोरी में था शामिल। भत्ताखोरी से लेकर चंद पैसों के लिए कत्ल करवाना भी इस माफिया के लिए मामूली सी बात थी। शायद यही वजह थी कि इस माफिया ने अपने खिलाफ होने वाली तफ्तीश भी तब्दील करवा ली। अब तो आपके पास पूरा इख्तियार है ना कि आप उसे पकड़ सकते हैं जी, ट्रेस आउट करें जी, तो क्या एफर्ट्स हो रही है? ये जिस दिन मुलजमान की बेल कैंसिल होती है और मुलजमान हम पकड़ के लाते हैं हाई कोर्ट से, और उसी दिन इसकी तफ्तीश जो है वो चेंज होके CIA सिटी कोतवाली में चले जाती है। किसके कहने में तफ्तीश तब्दील हुई है? मुदई ने ये कहा था या मुलजमान की? इसमें एक मुलजम था अवैस चीमा,
जिसको अपने किरदार के मुतल्लक साबिक यूसी चेयरमैन जिसको अपने किरदार के मुतल्लक था कि जी शायद मुझे कोई जानबूझ के मुलव्वज़ किया जा रहा है या किसी स्टेज पे भी कोई जानबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, उसने अफसरान को दरख्वास्त दी थी तफ्तीश तब्दील के वाले से। और ये वही मुलजिम है जिसके डेरे पे सारी मनसूबाबंदी होती जी इसी के डेरे पर सारी मनसूबाबंदी और जो मुलजमान नामलूम कातिल थे वो सारे इसके करीबी और इसके डेरे पे उनका आना जाना था। अच्छा, बहरहाल तफ्तीश मुलजिम के कहने पे तब्दील होकर सीआईए के पास चली जाती है और अब ये तफ्तीश सीआईए के पास है। जी पुलिस के मुताबिक तो मुद्दई का हक है, वो जिससे चाहें तफ्तीश करवाएं। फिर न जाने क्यों पुलिस अफसरान ने तफ्तीश तब्दील कर दी। ऐसे में क्या इस खानदान को मिल पाएगा इंसाफ। तो अब आप क्या चाहते हैं मुझे ये बताएं। वो तो भागा हुआ है। मैं चाहता हूं, मैं उतने ही खतरनाक। मैं यही चाहता हूं कि मैं तो इस वक्त मुआशरे की जंग लड़ रहा हूँ, ठीक है, वॉलंटियर बना हुआ हूँ। मैं कहता हूँ कि बस इसे यानी ये जो 40 खानदान है कम कानूनी ये 40 खानदान ये इनके ये मेरे साथ चल नहीं रहे लेकिन इनकी दुआएं मेरे साथ है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये कानूनी हिरासत में ये दुआएं कब रंग लेके आएंगी कब ये तो मेरा ये तो मेरा खुदा जानता है ना। मैं तो अपनी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मैं आईजी साहब से सीसीपीओ साहब से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से मेरी ये आजाना किस्म की दरख्वास्त है कि इन मुलजमान को ये जो शूटर्स हैं जिन्होंने मेरे वालिद पे फायरिंग की है और जिन्होंने करवाई है फायरिंग इन सबको कानून के कटहरे में लाए। ये नौजवान सिर्फ अपनी नहीं इन तमाम बेबस खानदानों की आवाज बना है। ऐसी कई माएं हैं जो अपने बच्चे अंडरवर्ल्ड और जराइम पेशा अफराद की इंतकाम की आग में जला चुकी हैं। न जाने कितनी खवातीन हैं जो अपने सुहाग उजाड़ चुकी हैं। मासूम बच्चे बाप की शफकत से महरूम हो चुके हैं मगर पुलिस भी बेबस नजर आती है। शहर लाहौर में हर कोई खौफ में जी रहा है। ऐसे में हुक्काम बाला को एक्शन लेना होगा। शहर से भत्ताखोरी से लेकर कत्लो गारत का ये सिलसिला खत्म करना होगा, तभी इस शहर की रौनकें वापस आएंगी। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।